हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आशीष प्रणोब। आज बात करने वाले हैं महिंद्रा बिलोरो नियो 2023 के बारे में, जो अपने सेगमेंट की 7 सीटर रफ एंड टफ कार है। अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो मात्र 9,63,000 एक्स शोरूम से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, टॉप जाता है 12,14,000 एक्स शोरूम तक। तो आज इसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं, और अभी आपके सामने इसका खड़ा है मिड एंड 10 वेरिएंट, जहां पे आपको काफ़ी अच्छे से फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। कलर ऑप्शन की बात की जाए तो बुलेरो नियो के अंदर आपको व्हाइट, रॉकी बेज, सिल्वर, ब्लैक, रेड, बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वेरिएंट्स की बात की जाए तो एन 10 के अलावा सबसे बेस एन 4, एन 8, एन 10 और एन 10 ऑप्शनल, ये चार वेरिएंट्स यहाँ पे आपको ऑफर किए गए। सिर्फ डीजल का ऑप्शन है, कोई पेट्रोल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा इस बुलेरो नियो के अंदर। इंजन एक्सप्रेस की बात की है तो 1.5 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर आपको 100 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। माइलेज की बात की जाए तो 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा। सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। वारंटी की बात की जाए तो बुलेरो नियो में आपको 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है आपको महिंद्रा की तरफ से। आप चाहें तो इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। बाकी फ्रंट प्रोफाइल से देख लीजिए, काफी मस्कुलर से लुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी की तो ऐसे कुछ आपको रिमोट की मिलेगी, लॉक अनलॉक बजर का बटन फ्लिप की, और पीछे आपको महिंद्रा की न्यू ब्रांडिंग, महिंद्रा का न्यू लोगो देखने को मिल जाएगा। जो दूसरी वाली की वो आपको नॉर्मल से फिजिकल की यहाँ पे दी जा रही है। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से, फिर चलेंगे इसके इंटीरियर में। तो फ्रंट में आपको क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाती है, सेंटर में आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग, महिंद्रा का न्यू लोगो देखने को मिल जाएगा। ग्रिल में आपको 6 रॉड्स दिए गए जो कि वर्टिकल शेप में, बेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश में ग्रिल ऑफर की जाती है। हेडलैम्प्स की बात की जाए तो हेलोजन हेडलैम्प्स हैं, ऊपर आपको DRS की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी एन 10 वेरिएंट में, बगल में आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट, पार्किंग लाइट की ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, नीचे आपको दिए जा रहे हैं फॉग लैंप्स की प्लेसमेंट। बाकी आपको मैट ब्लैक फिनिश और बॉडी कलर पूरा बम्पर देखने को मिल जाता है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 180 mm का है, जिससे कि आपको खराब रास्तों में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तो गई फ्रंट फेसे की बात। अगर ऊपर की बात की जाए तो इसका बोनट एरिया देख लीजिए, काफ़ी हल्की फुल्की सी कट्स एंड क्रीजेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डुअल वाइपर विद वॉशर का सेटअप देखने को मिल जाता है। रूफ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है पावर एंटीना। ये तो गई फ्रंट प्रोफाइल की बात। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, देखते हैं क्या कुछ मिलता है आपको साइड प्रोफाइल में। भले ही इसकी लेंथ अंडर 4 मीटर हो, लेकिन आपको जो लुक्स मिलते हैं ना, काफ़ी मस्कुलर से बल्कि लुक्स आपको मिलेंगे बुलेरो नियो के अंदर। डायमेंशंस की बात कर ही रहे हैं तो लेंथ आपको मिलती है 3995 mm की, 1795 mm की विड्थ है और 1817 mm आपको यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाएगी। व्हील प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं सिल्वर फिनिश में, महिंद्रा की ब्रांडिंग, महिंद्रा का लोगो यहीं पे देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन का जो ट्रेवल है, अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स, महिंद्रा की ब्रांडिंग, गुडियर के टायर्स। टायर सेक्शन की बात की जाए तो 215/75 R15 का पूरा टायर सेक्शन देखने को मिल जाएगा। व्हील्स के ऊपर आपको काफ़ी पतली सी क्लैडिंग यहाँ पे दी जा रही। फेंडर पे आपको मिलती है टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट, आगे फेंडर से लेकर पीछे तक आपको पूरे में क्लैडिंग दी गई पतली सी, जो कि इसको रगेट सा फील कराती है। मिरर्स की बात कीजिए जो आपको मिलते हैं सिल्वर फिश में, बॉडी क्लैड है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्ड अपने हाथों से इनको मैनुअली आपको करना पड़ेगा। गाड़ी का व्हील बेस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 2680 mm का यहाँ पे दिया गया है, स्पेस आपको ठीक ठाक मिलने वाला है इसके कैबिन के अंदर। ये इसके मैट ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स, इसका बी प्लेट जो आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में। आप चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, रियर से देखते हैं कैसी क्या दिखती है महिंद्रा बुलेरो नियो। तो यहाँ पे आपको ड्रम, फ्रंट बेस में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है, यहाँ से डलवाएंगे आप डीजल, 50 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। फ्रंट और साइड प्रोफाइल के बाद अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर से भी देख लीजिए, काफ़ी मस्कुलर से लुक्स आपको मिलते हैं महिंद्रा बुलेरो नियो में। यहीं पे आपको स्पेयर व्हील वगैरह देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कवर, बुलेरो की बैजिंग, महिंद्रा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, यहाँ पे देखेंगे आपको डिफॉगर, वाइपर, सारे फीचर्स दिए गए। यहाँ पे आपको बुलेरो नियो की बैजिंग, यहाँ पे आपको डोर हैंडल जो कि ब्लैक फिश में दिए जा रहे हैं। बात करते हैं इसके टेल लैंप्स की, जो हेलोजन में टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट, रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड ये इसका स्पेयर व्हील कवर इसमें लगा हुआ है, महिंद्रा की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको बुलेरो की बैजिंग देखने को मिल जाती है, इधर आपको एन 10 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे बम्पर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये इसका फुट स्टेप चढ़ने उतरने के लिए, नीचे का पूरा सस्पेंशन सेटअप आप देख सकते हैं। आप चलिए इसका थर्ड डोर ओपन करते हैं, दिखाते हैं कितना क्या आपको बूट स्पेस, क्या सीटिंग अरेंजमेंट मिलने वाला है। तो इसका डोर पैड पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल, डोर ओपनर सब कुछ देखने को मिल जाएगा, पूरा बेस फिनिश में यहाँ पे दिया जा रहा है। तो थर्ड रो में आपको ऐसा कुछ पूरा सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो 384 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है। फैब्रिक की सीट्स यहाँ पे आपको दी जा रही हैं। फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया सा आपको मिलेगा। एंड साइड में आपको ग्लास पैनल मिलते हैं, जिनको आप यहाँ से हल्का सा ओपन कर सकते हैं एयर सर्कुलेशन के लिए। एंड इस सीट को आप ऐसे फोल्ड कर पाएंगे तो अच्छा खासा स्पेस बन जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह दी जा रही हैं।
अब चलिए इसके थर्ड रो को कर देते हैं बंद और चलते हैं सेकंड रो की तरफ। वहां पे बैठ के देखते हैं कितना क्या है आपको लेग रूम हेडरूम दिया जा रहा है। तो इसके ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स काफी हैवी डोर्स हैं एंड डोर पैड्स की बात कीजिए तो पूरा आपको बेज फिनिश में मिलेगा। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में डोर ओपनर, ये इसके ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर देखने को मिल जाता है। सेकंड रो में आपको इतना कुछ स्पेस मिलेगा, फैब्रिक की सीट्स हैं, पीछे दिए गए दो हेड है जिनको आप एडजस्ट कर पाएंगे। अब चलिए अंदर बैठ के देखते हैं क्या कुछ आपको सीटिंग कंफर्ट यहाँ पे मिलता है। तो सेकंड रूम में बैठने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे इतना कुछ लेग रूम, आगे की सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, थाई सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक मिलेगा, हेडरूम भी अच्छा खासा यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए आपको फ्रंट डैशबोर्ड दिखाता हूँ सेकंड रो से कैसा क्या दिखता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डुअल टोन कलर में आपको पूरा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको 7 इंच का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा है, इस टाइम पे आपको सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल, पीछे आपको दो दो हेडरेस्ट जिनको आप एडजस्ट कर पाएंगे। थर्ड रो में आपको दिखाई चुका हूँ, काफ़ी अच्छा सा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। ये तो हो गई सेकंड रो की बात, आप चलते हैं ड्राइवर सीट पे बैठते हैं, वहाँ पे बैठ के सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो ये इसके मैट ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स, पहले डोर को अच्छे से ओपन कर लेते हैं। डोर पैड की बात की जाए तो आपको बेज फिनिश में यहाँ पे दिया गया सेम, ये इसका डोर ओपनर, ग्रैब हैंडल, नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और कुछ स्पेस देखने को मिल जाती है। फ्रंट कैबिन में स्पेस की बात की जाए तो अच्छा खासा सा स्पेस देखने को मिल जाता है, डुअल टोन कलर में डैशबोर्ड, आगे के जो दो हेडरेस्ट उनको भी आप एडजस्ट कर पाएंगे। फैब्रिक की सीट्स हैं, इसमें आप सीट कवर लगा सकते हैं, यहाँ से हाइट, यहाँ से रेक्लाइन कर सकते हैं अपनी सीट्स को। नीचे आप देखेंगे मैनुअल ABC पेडल्स, ऊपर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट शो बटन, डिफॉगर का बटन, इको का बटन, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर और ORBM के कंट्रोल्स, AC के वेंट देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो फ्रंट ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद ऐसा कुछ आपको नजारा यहाँ पे दिखने वाला है। गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे मिलती है आपको फ्लिप की, इसको लगाते हैं यहाँ पे साइड में और गाड़ी का इग्निशन ऑन करते ही आपको मिलेगा फुल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड आपको मिलता है RPM मीटर, राइट साइड आपको दिया गया है स्पीडोमीटर जिसके अंदर आपको 180 तक की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। बीच में आपको दी गई है MID जिसके अंदर आपको TPMS और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। अंदर आपको मिलता है लीवर जिसके थ्रू आप अपनी MID को कंट्रोल कर पाएंगे, यहाँ से आप ट्रिप ए, ट्रिप बी, माइलेज, रेंज वगैरह सब यहीं से देख सकते हैं। बाकी साइड में भी आपको एक लीवर मिलता है जिसके थ्रू आप ट्रिप वगैरह को सेट कर पाएंगे। ये तो हो गई क्लस्टर की बात, अब बात करते हैं इसके स्टेरिंग की जो आपको मिलता है राउंड शेप में। साइड में देखेंगे आपको कॉल के कंट्रोल्स, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग, इधर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन दिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स, इधर आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिलते हैं। एडजस्टमेंट की बात की जाए तो नीचे मिलता है आपको लीवर जिसके थ्रू आप अपनी स्टेरिंग को टिल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की, तो आपको AC के वेंट्स, यह है इसका 7 इंच का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम कैनवुड का है, यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, कोई एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं दिया गया है। 4 स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैजार्ड का स्विच, मैनुअल AC के कंट्रोल्स, ये सारे बटन्स AC के, यहाँ पे आपको 12 का चार्जिंग आउटलेट, बगल में देखेंगे USB पोर्ट, ऑक्स का पोर्ट, ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस, मैनुअल हैंडब्रेक, यहाँ पे बगल में आपको पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको 3-3 कप होल्डर्स। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो इसमें भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गई इसके फ्रंट डैशबोर्ड की बात। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा जो कि सेपरेट यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। एंड ऊपर की बात करें तो मैनुअल डे नाइट IRVM, इधर आपको कोई मिरर नहीं मिलने वाला है। एंड को ड्राइवर सीट की बात की जाए तो यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाएगा, माइक की प्लेसमेंट, लाइट के कंट्रोल्स, ये इसका मिरर। विजिबिलिटी की बात की जाए तो वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है महिंद्रा बोलेरो नियो में, बम्पर टू बम्पर आप इसको ड्राइव कर पाएंगे ट्रैफिक के अंदर। ये तो हो गई पूरे इंटीरियर की बात, अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की। तो इसमें आपको ABS विद EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 एयरबैग्स। प्राइसिंग की बात की जाए तो अभी आप देख रहे हैं N10 वेरिएंट को 11,36,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस का और 13,05,000 रुपये की आपको ये ऑन रोड लखनऊ पड़ती है। तो ये थी महिंद्रा बोलेरो नियो अपने सेगमेंट की रफ एंड टफ 7 सीटर कार, कैसी लगी आपको नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।